अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जैसे कि मैंने कल भी बात की थी कि आज प्रैक्टिस सेशन किया जाएगा न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में जहाँ पे मौजूद है, ईडन गार्डन में मैच खेला जाएगा। सो वहाँ पे टीम पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस सेशन किया है। ओबियसली जो विजुअल शेयर हुए उसमें बाबर आजम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहे थे, शाहीन पे फोकस था, शाइन पे फोकस था। वी ऑल नो दैट कि शाइन मोस्ट प्रॉब्ली ओपनिंग करेंगे। आज खैर बहुत सी खबरें इस हवाले से भी गर्दिश कर रही थी, उस पर भी आएंगे लेटर, बट अभी इस हवाले से बात कर लेते हैं। फोटो सेशन हुआ फॉर G20I सीरीज इन न्यूजीलैंड, एंड जो किट थी वो वही यूज़ की जा रही है जो नॉर्मल T20 में पाकिस्तान टीम यूज़ कर रही थी, जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान ने लॉन्च की थी। मुझे तो पर्सनली खैर वो किट बहुत अच्छी लगी थी, बहुत से लोगों ने उसे बहुत से नामों से नवाजा था, बट आई पर्सनली रियली लाइक दैट किट किट जो है कि जिसके ख्याल में पिक भी शेयर कर रही हूँ। सो मुझे तो खैर ये जो किट थी वो बहुत ही अच्छी लगी थी। और खैर इसके अलावा जो न्यूयॉर्क में जहाँ पे इंडिया वहाँ से पाकिस्तान का क्लैश होना है, हमने पहले भी यहाँ पे बात की थी कि वो जो ग्राउंड है उसकी हालत बहुत ही खस्ता है, एंड लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई कभी इंटरनेशनल मैच हो सकेगा, और वो भी इतने कम टाइम में। आई मीन जस्ट आई थिंक 5 महीने हैं, 9 जून को तो पाकिस्तान को खेलना है इंडिया से, एंड जनवरी स्टार्ट हो चुका है। सो जस्ट 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में वैसे खैर हमने बात की थी कि पॉप अप स्टेडियम लगाया जाएगा, बट स्टिल ग्रास पिच वगैरह सब पे काम करना होता है। तो फिर भी स्टिल देखते हैं कि कब तक ये रेडी होकर तैयार हो जाते हैं, अभी तक तो कुछ काम भी शुरू नहीं हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मे बी बहुत से लोगों का ये भी है कि कमेंट सेक्शन में ये कहना था कि न्यूयॉर्क है, आई मीन अमेरिका है, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, शॉर्ट स्पैन में भी हो जाएगा। सो लेट्स सी, और ओबियसली हो ही जाएगा, ICC के तहत होना है तो ICC भी ओबियसली इस पर नज़र रखेगा। सो मुझे तो खैर ज़्यादा कोई इस पर कंसर्न नहीं है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई पॉप अप स्टेडियम लगाया जाएगा तो जस्ट ग्रास पे ही काम करना है, सो आई थिंक वो कर लेंगे। सो खैर इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि आज़म खान, खैर हमने बात की थी कि टॉप 6 में आज़म खान भी हो सकते हैं ओबियसली, और वो भी इफ्तिखार अहमद से पहले, बट अब ये खबरें कल से ही खैर गर्दिश कर रही थी कि आज़म खान ही विकेट कीपिंग करेंगे और मोहम्मद रिजवान एज अ फील्डर खेलेंगे। सो खैर मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। आई डोंट थिंक कि आज़म खान कुछ है कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं T20I क्रिकेट में भी बल्ले, लेकिन आई डोंट थिंक कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर तो डालना होता पहले भी, खैर उनको काफ़ी चांसेस मिले हैं, एंड वही बात है कि आप इधर बैठ के प्लेयर्स की फिटनेस की बात करते हो तो फिर फिटनेस के जो आपके इशूज़ हैं, जो आपके पैमाने हैं, वो कहाँ गए। सो पता नहीं क्यों इस तरह की हिपोक्रेसी की जाती है, और मुझे नहीं खैर समझ आती है। आप है कि काफ़ी टाइम से आप हारिस को लेके जा रहे हो, T20 वर्ल्ड कप में उसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हुई है, तो फिर क्या तुक क्या बनती है उसको ड्रॉप करने की। आई डोंट नो क्या किस सेंस के तहत ये चलते हैं। एंड आज़म खान को आपने पहले भी काफ़ी चांसेस दे दिए हैं, इतना ज़्यादा उसने नहीं अवेल किए। मैंने आपको पहले भी बात कर दी थी कि भाई PSL में क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट भी वो नहीं चला है, लीग क्रिकेट में भी कोई इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है, और वही बात है कि लीग में अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हो भी तो भी चलो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टिल लीग एंड इंटरनेशनल क्रिकेट का जो लेवल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बट वही बात है, हमारे यहाँ तो सब कुछ चलता है, लीग में एक बंदा नहीं चल रहा और उसको आप इंटरनेशनल में डाल रहे हो, तो बस ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो भी अगर आप डाल रहे हो तो डाल रहे हो, लेकिन आप कीपिंग भी उसी से करवाओगे। आई मीन क्या कहा जाए, बस रिजवान से बेहतर कीपर नहीं। पता नहीं क्यों कभी सरफराज को बीच में ले आते हैं, कभी आज़म को बीच में ले आते हैं, रिजवान के साथ आपको कीपिंग में जाने में क्या प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए रिजवान के साथ कीपिंग में जाने के लिए। खैर चलो देखेंगे कौन कीपिंग करता है ऑन द डे। बट इसके अलावा और भी खबरें हैं कि भाई जो ओपनिंग जोड़ी है वो तो हमने पहले भी बात की थी कि भाई बाबर और रिजवान दोनों नहीं होंगे, बट मुझे पर्सनली लगता है कि साइम और बाबर के साथ ओपन कराओ तो ज़्यादा बेहतर है। और खैर आज ये खबरें सामने आई हैं कि PCB चाहता है कि साइम एंड फ़खर ओपन करें और बाबर एंड रिजवान ना हो, जैसे ओपनिंग में ना हो, दोनों में से कोई एक भी ना हो। तो रिजवान ने कन्विंस किया है PCB को, और खैर इससे पहले भी खैर बहुत सी बातें चल रही थी, रिजवान ने कुछ सख्त सुस्त सुनाई भी है चेयरमैन साहब को, बट आई डोंट थिंक इसमें कोई सदाकत होगी, जो मतलब जिस हवाले से बात की जा रही थी, जिस तरीके की बात की जा रही थी, हो सकता है हो भी। सो मुझे उसकी कोई खैर तस्दीक नहीं हुई, दैट्स व्हाई मैंने सवाल से बात नहीं की थी अपने चैनल पर। बट अभी खबरें ये हैं कि भाई रिजवान ने कन्विंस किया PCB को, PCB के जो मैनेजमेंट है उसको, कि भाई मुझे ओपनिंग करनी है एंड आई विल ओपन, और जो भी खैर उनका क्राइटेरिया जो उन्होंने दिया PCB ने, वो उन्होंने कहा कि उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। खैर बाबर एंड रिजवान, वी ऑल नो दैट माशाल्लाह वर्ल्ड की नंबर 1 ओपनिंग पैर है वो,
बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मतलब उनके क्रेडिट पे हैं एज एन ओपनर. दोनों के स्ट्राइक रेट, एज एन ओपनर की मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल T20 की नहीं बात कर रही, एज एन ओपनर दोनों के स्ट्राइक रेट 130 हैं, जो कि आई थिंक रीजनेबल है. और वो भी पाकिस्तान जैसी टीम के बाद बाबर रिजवान अगर चले जाए तो फिर कोई भी पीछे से खड़ा नहीं होता है. तो इस जो एक रिलायबल बैट्समैन के हिसाब से आई थिंक वेल एंड गुड है, 130 स्ट्राइक रेट बेस्ट है. वो भी पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही अच्छा है, 160 पे भी हम टीम्स को पकड़ लेते हैं, मैच भी जीत जाते हैं. सो आई डोंट थिंक इनको इतना बहुत ज़्यादा फिर है कि स्ट्राइक रेट के हवाले से फिक्र करने की ज़रूरत है बाबर रिजवान को. बट स्टिल भाई बहुत से लोग बहुत सी बातें करते रहते हैं और काफ़ी टाइम से करते आ रहे थे. बट एक और चीज़ भी खैर मुझे यही हाईलाइट करनी थी कि PCB चाहता था कि बाबर रिजवान ओपन ना करें, यानी T20 का जो आपका कैप्टन है या जो आपके डायरेक्टर साहब हैं उनका कोई इनपुट इस पर शामिल नहीं है. डायरेक्टर साहब भी एक तरफ, आई थिंक आपके कैप्टन का इनपुट होना चाहिए कि भाई क्या ओपनिंग जोड़ी होगी. आई मीन आप इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हो शाइन को भी, एक तो बेचारे शाइन का भी क्या पता नहीं कसूर है, वहाँ से सुसर साहब इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ से मैनेजमेंट जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं हफीज़ वो इन्फ्लुएंस करेंगे, फिर और जो बचा कुछ कुछ रह गया है तो वो हमारे चेयरमैन साहब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. चेयरमैन साहब को क्रिकेट किसी का तो पता नहीं है और वो चाहते हैं कि बाबर रिजवान के ओपनिंग पैर को तोड़ दें. खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबर रिजवान के, अगर तो है कि उनके ओपनिंग पैर पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो मैं उसके लिए भी बिल्कुल एग्री हूँ. बट ये जो इस तरह की सियासतें या जो इस तरह के एजेंडा वगैरह चलते हैं इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ. मैं खैर पर्सनली चाहती थी कि बाबर एंड सैम के साथ जाएं, दैट मींस के ऑब्वियसली रिजवान नहीं होते, बट है कि चलो अब रिजवान के साथ जाया जा रहा है, बाबर वन डाउन पे होंगे, देन फखर है कि फोर पे होंगे. तो यही वो लोग थे जो बैठ के बोलते थे कि भाई फखर के नंबर के साथ छेड़खानी हुई है एंड ये हुआ एंड वो हुआ है तो इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही. अब बाबर एंड रिजवान के नंबर के साथ छेड़खानी हो रही है तो अब ये चुप साधे बैठे हुए हैं और अब ये खुद ही खैर छेड़खानियाँ करवा रहे हैं. दूसरी बात ये फखर ओपनर है, वन डाउन पे आता था, अब अगर बाबर वन डाउन पे आएगा तो फखर फोर्थ पे चला जाएगा. तो इस पे भी हमने चुप साध के रखी हुई है क्योंकि दूसरे करें तो बहुत गलत होता है, हम करें यानी प्रोफेसर साहब करें तो वेल एंड गुड. सो खैर ये हिपोक्रेसी तो चलती रहती है हमेशा से, आपकी इसके वाले से क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.